नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि जिन बच्चों ने पार्ट थर्ड की वीडियो देखी है उन्हें अच्छे से पता होगा कि पार्ट थर्ड की वीडियो में क्वेश्चन सेकंड पे डिस्कस करते करते हम गायब हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने पार्ट थर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट थर्ड की वीडियो देखे, अदरवाइज इस वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए पहले पार्ट थर्ड देखकर आए और फिर पार्ट फोर देखे, ठीक। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, जहां पे हमने लास्ट छोड़ा था। हमने लास्ट कहां छोड़ा था? हमने लास्ट छोड़ा था कि हम सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। बाकी सारे फॉर्मेट पे हम डिस्कस हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन क्या चल रहा था कि व्यापारिक बैंक के साख सृजन की विधि की व्याख्या करो। फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया था व्यापारिक बैंक के साख सृजन की विधि की व्याख्या करो। मुद्रा निर्माण बोले या साख सृजन बोले, तब भी हमें इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन पे हो चुका है, ऐसे ही यहीं से स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को फॉलो करते हुए, और यहां तक जाएंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट्स कहां से आए आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स कहां से आए आपको समझ में आ गया होगा कि ये मान्यताएं वाले पॉइंट्स हमने पहले से मान लिए थे, ये कैसे बने, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। कृपया ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखना। यदि नगद जमा अनुपात 100 रुपए है, यदि नगद जमा अनुपात कितना है 100 रुपए है, ठीक है, तथा CRR और LRR ऑब्लिक लिखा है पेपर में, वो यहां पे CRR भी मेंशन कर सकता है और LRR भी मेंशन कर सकता है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे जितना भी परसेंटेज दिया हो आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। CRR LRR 10% है तो साख सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या करो। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। पिछली बार हमने कितनी वैल्यू ली थी, पिछली बार हमने वैल्यू ली थी 1000 ली थी ना, कि हमने पहले मान लिया था कि नगद जमा अनुपात कितना था 1000 था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा नगद जमा अनुपात कितना होना चाहिए, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब देखो ये जो बीच में बच्चा बैठा हुआ है ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर इसका मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी होगी हमें उस वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा। तो हाँ बेटा बिल्कुल सही, हमें उसी वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दे रखी है। यदि क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है तब क्या करना होगा, तब हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको वैल्यू गिवन है तो आप उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे दी, आपको वैल्यू दे दी यदि नगद जमा अनुपात 100 रुपए है, इसका मतलब ये जो जनता थी इसने पिछली बार 1000 जमा कराए थे, अब की बार कितना जमा कराएंगी, तो यानी कि कितना जमा कराएंगी, देखो देखो क्या बोल रहे हो, कह रहे हैं सर 100 रुपए जमा कराएंगी, तो कितने जमा कराए, 100 रुपए जमा कराए, वेरी गुड। अब बेटा क्या होगा, तो कह रहा है सर 100 रुपए का कितना परसेंट, 10%, मतलब 100 रुपए का 10%। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बैंक, यहाँ क्या थी, यहाँ थी जनता, तो जनता ने कितना जमा कराया आपकी बार, सर 100 कराया। अब बैंक क्या करेगा, 100 रुपए का 10% क्यों, पिछली बार तो 20 था, अब की बार 10 क्यों, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन में 10 गिवन है और पिछली बार के क्वेश्चन में कितना था, 20 था, तो अब की बार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10% यानी कि अगर हम 100 रुपए का 10% निकाले तो कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से, तो सर 10 रुपए होगा, तो इसका मतलब 10 रुपए निकाल दिए, बाकी के बच गए 90, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ इस 90 का क्या होगा, तो सर ये 90 यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड रम में, कहाँ आ जाएंगे, सेकंड रम में, ठीक है। 90 यहाँ आ गए, अब क्या होगा, अब फिर से 90 का 10% कितना होता है, 9 रुपए, कितना होता है, 9 रुपए, पक्का, हाँ सर पक्का, बचा कितना, 81, ठीक है। अब ये 81 यहाँ आ जाएगा, हम कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं,
तो सर क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 81 आ गया। अब 81 यहाँ आ गया, 81 का 10% 7.29 के आसपास आएगा मे बी, निकाल के देखना आप, ठीक है। बाकी का जो बच गया ये क्या होगा, ये प्रक्रिया धीरे धीरे ऐसे ही क्या होगी, चलती रहेगी। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया है, बाकी आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। तो यहाँ क्या होगा, पहले 100 था जो कि बैक क्वेश्चन में दिया है, फिर इसका 10% निकाल लिया, 90 बचा, 90 यहाँ गया, इसका 10% निकालेंगे, फिर यहाँ आएगा। ये प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा, बस हमें अब क्या करना है, हमें बस इस आखिरी वाले अमाउंट को निकालना है, निकालना है ना आखिरी वाले अमाउंट को, ठीक है। तो इस आखिरी वाले अमाउंट को निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला बताया था, तो सर आपने बताया था, क्या बताया था कि पहले आपको क्या निकालना है, पहले हमें 60 गुणांक निकालना है। तो 60 गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/LRR। अच्छा बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उनकी बुक में इस LRR की जगह पे केवल RR भी लिखा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ RR भी मेंशन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो LRR बोले या CRR बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसने इसलिए कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए RR वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे RR। टेंशन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/ में LRR कितना आएगा, तो कह रहा है बच्चा 20%, कितना आएगा 20%। अरे नहीं सर, 20% नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10%। क्यों आएगा 10%, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में 10% गिवन है। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। तो अब कितना हो गया, 1/ कितना आएगा, ये 100/10, तो कितना आ गया 10। क्लियर हुआ, आंसर क्लियर हुआ। इसका मतलब 60 गुणांक की वैल्यू कितनी आ गई, 10% 10 आ गई, कितनी आ गई 10 आ गई। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो अब क्या लगेगा, 60 इज इक्वल टू क्या था, नगद जमा इंटू गुणांक। क्लियर, अब नगद जमा कितना है, नगद जमा आपकी बार 100 है, पिछली बार कितना था 1000 था, इनटू में कितना आ गया 10, तो ये कितना बन गया 1000। तो ये 1000 वैल्यू कहां पे आएगी, सोचो जल्दी 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 सोचो कहां आएगी, तो सर ये यहां पे आखिरी में आएगी, कितनी 1000। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए, और बाकी कितना बच गया 900 रुपए। क्लियर, बोलो जल्दी से, हाँ सर क्लियर, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर किसके हिसाब से, बिल्कुल सेम पीछे वाला ही फॉर्मेट है जो हमने कहाँ सीखा था, पार्ट थर्ड में सीखा था। क्लियर, और जिन बच्चों ने पार्ट थर्ड नहीं देखा है पहले पार्ट थर्ड देखो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ गया तब कैसे करना था, तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना था। अब एक बार इसमें देखते हैं क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, देखना जरा ध्यान से। ये सारा का सारा फॉर्मेट यहां तक वही रहेगा, क्लियर हुआ, आंसर क्लियर हुआ। मान्यताओं में अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है, सेम रहेगा, क्लियर। एक व्यक्ति को दिया गया ऋण पुनः बैंक में जमा करा दिया जाता है, सेम रहेगा, क्लियर। वैधिक कोष अनुपात नगद आरक्षित अनुपात 20%, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, कह रहे सर इसको चेंज करके यहाँ पे मेंशन करो 10%, कितना 10%, क्यों मेंशन करो, तो क्वेश्चन में 10% गिवन है, क्लियर। चलो 10% है तो बैंक 1000 रुपए, तो सर ये 1000 ही रहेगा, नहीं नहीं सर ये 1000 नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 100 रुपए नगद कोष के आधार पर 5000 का ही होगा, नहीं सर यहाँ 5000 नहीं, यहाँ कितना आएगा 1000 आएगा, ये वाला 1000 कहाँ से आया, इस वाली टेबल से आया, क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। 1000 रुपए मूल्य का ऋण प्रदान कर सकता है, क्लियर, हाँ ये सारा का सारा फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर, हाँ क्लियर। अब यहाँ पे देखो थोड़े से चेंजेस, यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, कैसे चेंजेस, बैंक प्राथमिक जमा 1000, उसमें 1000 था और इसमें कितना है, इसमें 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 रुपए। बैंक इस जमा से 200 रुपए वैधिक, 200 रुपए की जगह पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज, 10 रुपीज वैधिक कोष अनुपात के रूप में रखकर 800 रुपए, 800 की जगह कितना आ जाएगा 90 रुपए ऋण का निर्माण करेगा। दूसरे चरण में
900 800 रुपए की जगह पर कितना आएगा 90 रुपए। क्लियर, ये वाले 90 रुपए, यहाँ पे 800 थे ना पहले, दूसरे क्वेश्चन में 90 होगा तो 90 कितना आएगा 90। 90 रुपए पुनः बैंक में जमा होंगे। व्यापारिक बैंक जमा का 20%, यहाँ पे 20% आएगा, नहीं सर 10% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 10% अर्थात 160 आएगा। देखना जरा 90 का 10% कितना आएगा, 9 रुपए आएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 रुपए एल आर आर का 640 रुपए, नहीं सर 81 कितना आएगा 81। अच्छा ये रेड वाले अमाउंट आ कहाँ से, उसी टेबल से ना, हाँ ठीक है क्लियर। 81 ऋण दे देगा और 640 पुनः बैंक में जमा हो जाएंगे, 640 नहीं 81 पुनः बैंक में जमा हो जाएगी और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, ठीक। फिर लास्ट में ये वाला फॉर्मेट बनाना है। अब क्या होगा, 7 गुणांक बराबर वाला फॉर्म में एल आर आर, वन अपॉन में एल आर आर, यहाँ पे 20% था तो हम कितना मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे 10%। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाय 10, तो कितना आ गया ये आ गया 5, क्लियर आ गया, सॉरी 5 नहीं 10 आएगा, कितना आ गया 10, गुड ठीक है, कितना आ गया 10। अब ये 10 हो गया, इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 7 निर्माण इज इक्वल टू, शायद नहीं शो रहा हूं, बोल रहा हूं सुन लेना, 7 निर्माण इज इक्वल टू नगद जमा इनटू गुणांक। तो नगद जमा कितना था देखो जल्दी से, सर 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए इनटू में गुणांक की वैल्यू कितनी आई थी यहां से देखो 10 रुपीज, 10, तो कितना आ गया, अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1000 आ गया ना, तो ये 1000 मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हमें यहां से लेके यहां तक कंप्लीट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, इसने क्या बोल दिया आपको न्यूमेरिकल टाइप से, संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्यापारिक बैंक की साख सृजन मुद्रा निर्माण, साख सृजन बोल दे ऑब्लिक मुद्रा निर्माण बोल दे की प्रक्रिया की व्याख्या करो, कुछ भी बोल दे, लेकिन साथ में सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है संख्यात्मक उदाहरण, मतलब न्यूमेरिकल टाइप की बताना है आपको, तब आप क्या करोगे ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, तब आपको इस एक्सप्लेन को करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां से लिखना है, ये सारी चीजें लिखनी है, कहां तक, यहां तक लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको टेबल बनानी है और टेबल के बाद ये वाला फॉर्मेट, कौन सा वाला, ये वाला 7 गुणांक से लेके ये वाला फॉर्मेट आपको क्या करना है, करके आना है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर संख्यात्मक उदाहरण पूछता है तब आपको ये जो व्याख्या वाला पॉइंट है इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखना है, टेबल बना के आना है क्योंकि संख्यात्मक उदाहरण मांगा है, टेबल बनाना है और ये नीचे वाले पॉइंट को करके आ जाना है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो। क्लियर हुआ, फिर से जल्दी जल्दी से, अगर सिर्फ ये वाला पूछता है व्यापारिक बैंक पहला क्वेश्चन पूछता है तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो, अगर आपसे ये वाला पूछता है तो भी आप कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसने वैल्यू दे दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। क्लियर, वेरी गुड। आगे देखो, अगर इसने संख्यात्मक उदाहरण बोला तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उस समय एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, एक्सप्लेनेशन कब करनी है, जब उसने संख्यात्मक उदाहरण आपसे नहीं मांगा है, ठीक है। अगर उसने संख्यात्मक उदाहरण नहीं मांगा तो आप कंप्लीट ऐसे सॉल्व करके आओगे, संख्यात्मक उदाहरण मांगा तो आप यहां से लेके यहां तक करके आओगे, कहां तक, व्याख्या को छोड़ के यहां तक करके आओगे, उसके बाद व्याख्या की जगह पर टेबल बना के आओगे। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आपको उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब जो होते हैं वो हमें और अच्छी पावर देता है, किस लिए, आगे की वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।